जेड़ा व्यक्ति है पूरा पहला उन्हें सद दो, तीन क महीने सदी जाओ मुड़के फट के अंदर दे दो। तो मैं समझना कि जो कुशलदीप सिंह ढिल्लों नाल होया कोई बहुत ही चंगी गल नहीं है और निरंतर मगरले कई चिर तो साल तो यही काम चल रहा है। और तुसी करप्शन दे अगेंस्ट गल करदे हो, तुसी सिंगला जी नूं फड़िया पहला फड़ के अंदर दिता, अज वो बाहर ने, अज थोड़े उही पार्टी दे हिस्से। फौजा सिंह शरारी नूं तुसी उतारता, तुसी मान लिया कि करप्शन की है, कोई उन्हां ते कार्रवाई नहीं की। तो मेरे कहने का मतलब जिन्हें लोगों से तुसी कार्रवाई की विखावे के रूप में, वो सारे लोग उन्होंने परिवार के जी जाओ तुहाडी पार्टी का हिस्सा ने, अज वो थोड़े विच मैं जलंधर चुनाव चोणां च वेख्या जिस प्रकार कुशलदीप सिंह किक्की ढिल्लों की गिरफ्तारी की गई, डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स की गल कर रहे हो, बिल्कुल डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स देखो करो मापो, सानू कोई हर्ज नहीं। लेकिन जेड़ा बंदा संजोग कर रहा है उन्हें हर चीज प्रोवाइड करा रहा है और जो तुम बुलाने हो वह निरंतर थोड़ी तबीश के शामिल होंगे, इस के बावजूद तुम उन्हें बुला के और कागज बनन मंगन के बहाने बुलाने हो तो फिर उन्होंने उसे अरेस्ट पा लेंगे। मैं लगता है कि ये वेंडेटा नहीं बदलाखोरी की भावना कार्रवाई जी हो रही है, ये होर की है। तुसी ये देखो भी आमदन किन्नी हुई और लाइबिलिटी किन्नी हुई है, फिर गल बन रही है बेनामी बेनामी जायदाद का वेरवा दिता है। बेनामी तो भरा ये तेरे नाम से भी 5000 करोड़ की जायदाद है। मैं कहना नमस्कार जी, मैं हां तुहाडा अपना बलविंदर हाली ते तुसी देख रहे हो पंजाब डेयरी। इस किस्म दी सियासत पंजाब च ऐ जापदा कि सियासत करना कोई क्राइम। और जिस प्रकार कुशलदीप सिंह किक्की ढिल्लों की गिरफ्तारी की गई, तुम डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स की गल कर रहे हो, बिल्कुल डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स देखो करो मापो, सानू कोई हर्ज नहीं। लेकिन जेड़ा बंदा संजोग कर रहा है उन्हें हर चीज प्रोवाइड करा रहा है और जो तुम बुलाने हो वो निरंतर थोड़ी तबीश के शामिल होंगे, इस के बावजूद तुम उन्हें बुला के और कागज बनन मंगन के बहाने बुलाने हो तो फिर उन्होंने उसे अरेस्ट पा लेंगे। मैं लगता है कि ये वेंडेटा नहीं बदलाखोरी की भावना कार्रवाई जी हो रही है, ये होर की है। और सैकेंड मैं लगता है कि किसी लाभ के पद से तो कुशलदीप सिंह ढिल्लों बैठा ही नहीं। जे आई पी सी धारा भी वेखिए तो जोड़ा एक एम एल ए संविधानिक रूप के चुनिया हुआ है वो किसी सरकार का हिस्सा तो बनया ही नहीं है, किसी सरकार का हिस्सा बनया नहीं, ना वो मिनिस्टर बनया ना कोई किसी प्रकार का, वो तो एक चुने हुआ नुमाइंदा है विधायक है जिवें अज चुने हुए होर बथेरे। सर कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों कैबिनेट मंत्री कैबिनेट का रैंक दिता गया सी, जिहड़े मिनिस्टर बने देखो वो संविधानिक रूप दे विच कैबिनेट रैंक है जिहड़ा वो पास ही नहीं होया और गवर्नर साहब ने उस फाइल ते साइन ही नहीं किए सी जिहड़ी है। पर मैनूं लगता कि ओहदा आटोमैटिकली ओहदे तों बंदा डिस्चार्ज हो जांदा है, ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होंदा जिहड़ी कि गवर्नर साहब ने उहदे ते साइन ही नहीं किए। तो एडवाइजर भी बने जां नहीं भी बने तो इहदा मतलब ये नहीं गा कि जिहड़ी उन्हां कोल जमीन जायदाद है वह सारी उन्होंने गलत तरीके नाल बनाई हुई है। इहदा तरीका है डिसप्रपोर्शनेट एसेट का भी तरीका है, थोनू लगता है तो तुसी उह तमाम का केस है जिहड़ा उस तों बाद कोर्ट के विच दायर करो। इत्थे गिरफ्तारी के बारे यह नवा तरीका ही बना लिया कि डिसप्रपोर्शनेट एसेट के अधीन तुसीं जिहड़ा व्यक्ति है पूरा पहला उन्हें सद दो, तीन क महीने सदी जाओ मुड़के उन्हें फड़ के अंदर दे दो। तो मैं समझना कि जो कुशलदीप सिंह ढिल्लों नाल होया कोई बहुत ही चंगी गल नहीं है और निरंतर मगरले कई चिर तो साल तो यही काम चल रहा है। और तुसी करप्शन दे अगेंस्ट गल करदे हो, तुसी सिंगला जी नूं फड़िया पहला फड़ के अंदर दिता, अज वो बाहर ने, अज थोड़े उही पार्टी दे हिस्से। फौजा सिंह शरारी नूं तुसी उतारता, तुसी मान लिया कि करप्शन की है, कोई उन्हां ते कार्रवाई नहीं की। तो मेरे कहने का मतलब जिन्हें लोगों से तुसी कार्रवाई की विखावे के रूप में, वो सारे लोग उन्होंने परिवार के जी जाओ तुहाडी पार्टी का हिस्सा ने, अज वो थोड़े विच मैं जलंधर चुनाव चोणां च वेख्या इहदा मतलब जिहड़ी तुसी गल कहिंदे जीरो टॉलरेंस की वो तो बिल्कुल गलत है। सो इस प्रकार चुन चुन के व्यक्ति नूं फड़ना ये कोई बहुत ही चंगी सरकार वाली गल नहीं है और एरे नाल सूबे की तरक्की रुक जानी है।
और जिन्हां लोगों ने भी इस तरह किया मगरला तुसीं सारा इतिहास फरोलो ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿੱਕਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ 2G ਸਕੈਮ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 100-100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ खारिज करती सी और 100 करोड़ का जुर्माना भी आपको करता सी। तो मेरे कहने का मतलब इस प्रकार की विंडेटा पॉलिटिक्स ये नहीं होनी चाहिए। फिर तुम दिल्ली च कहने हो, दिल्ली च कहने हो साडे नाल बदलाखोरी की भावना नाल सीबीआई ते ईडी कार्रवाई कर रही। जे दिल्ली च सीबीआई ते ईडी बदलाखोरी की भावना नाल कर रही है तो फिर इतने भी कुछ नहीं। 250 करोड़ प्रतिशत सॉरी 250 आपकी आमदन तो 250% ज्यादा आमदन दे कौन कह रहे हैं? विजिलेंस विभाग तो विजिलेंस विभाग कह रहे हैं ना, जो विजिलेंस विभाग कहेगा वो सच तो नहीं है। तुसी 250 करोड़ किसी ने कोई जायदाद ले ली वो तुसी ओरे च ऐड कर लिया, पर तुसी ओरियां लायबिलिटीयां भी तो ऐड करोगे कि नहीं करोगे? तुसी ये देखो भी आमदन कितनी हुई और लायबिलिटी कितनी हुई, फिर गल बन रही है। बेनामी बेनामी जायदादां दा वेरवा दित्ता, बेनामी तां भरा ये तेरे नाम ते भी 5000 करोड़ दी जायदाद ते मैं कहना बेनती कर दवा कि अगर तुम चैनल अज नवे हो तो हाले तक साडा चैनल फॉलो नहीं किया तो कृपा करके इस फॉलो कर लो ता कि जदों भी असी कोई वीडियो पाईए तो तुहानू उसका पता लग सके। साडियां खबरां साडा तरद्दद साडियां कोशिशां अगर तुहानू ठीक लगदियां तो इन्हां नू अपने दोस्तां दे नाल बाकी ग्रुपां दे विच शेयर जरूर करो।